उम्मीद करता हूँ दो हजार अठारह में पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और ये कार जो है दो हजार उन्नीस मॉडल है तो आज इसका हम रिव्यू करते हैं सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट जो है हमें क्रिस्टल की मिल जाती है बहुत जबरदस्त फोक लैंप्स इसमें इंस्टार्ट शुदा मिलती हैं अगर आप कंपेयर करें अदर ब्रांड से तो उसमें काफ़ी जो है कार्स uh, में फोक लैंप्स नहीं होती इस कार के अंदर हमें फोक लैंप्स की भी फीचर मिल जाता है फ्रंट ग्रिल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल में जो है यूनाइटेड ब्रावो वाजिया तौर पर लिखा गया और ये ग्रिल भी आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त लग रही है फ्रंट लुक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी गई मेरे अंदाजे के मुताबिक तो बहुत बेहतरीन लुक है इसकी फ्रंट अगर हम साइड मिरर की बात करें तो कुछ इस तरह ओपन और बंद होंगे और बैक रेयर बात करें बैक की तो बैक से कैसी लगती है कार तो बैक आप देख सकते हैं इसके ऊपर लोगों जो लगाए गए हैं यूनाइटेड के ब्रावो के जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं कार की बैक लाइट की बात की जाए तो एल लाइट्स हैं जो कि रनिंग लाइट रात को बहुत खूबसूरत लगती है इसके अलावा अगर स्पाइलर की बात की जाए तो स्पाइलर में हमें एक ब्रेक लैंप मिल जाती है जो कि बहुत बेहतरीन खूबसूरत लगती है इस कार में। यूनाइटेड ब्रावो के बैक बम्पर में हमें रिफ्लैक्टर लाइट्स मिलती हैं जो कि एक फोग लैम्प के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये फोग लैंप्स एक बटन की मदद से आप ऑन करेंगे इसको और ये रिफ्लेक्टर्स फोग लैंप्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं कार के डोर के जो हैंडल हैं वो ब्लैक कलर में मिलते हैं और कार का डोर कुछ इस तरह से ओपन और क्लोज होगा इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके टायर्स में हमें अलाई रिम्स मिलते हैं जो कि एक बेस्ट चीज़ है इस प्राइस टैग में जो कि यूनाइटेड ने दी इस कार को इसके अलावा ब्रेक की बात की जाए तो ब्रेक है जी डिस्क ब्रेक फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलती है जबकि अगर बात की जाए बैक टायर की ब्रेक की तो वो ड्रम ब्रेक है और आप सब जानते हैं लेदर इसमें इस्तेमाल होते हैं एक्सटीरियर आपने देख लिया और आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक्सटीरियर इसका कैसा है आप देख लेते हैं इसका इंटीरियर ताकि आपको इलम होकर इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं इसके इंटीरियर में तो इंटीरियर आप देखें तो इसके ऑटो डोर है इसमें दो वेरियंट आते हैं जो एक सिंपल है और ये कार ऑटो डोर वाली है इसके अलावा डैश की बात की जाए तो डैश आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत इस कार का बनाया गया है वुडन टीक का काम किया गया इसके अलावा सिल्वर कलर जगह जगह पर एसी विंड्स आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का जो है मैचिंग की गई है जो कि बहुत ज़बरदस्त है सिल्वर कलर को जगह जगह पर यूज़ किया गया और इसकी खूबसूरती में मज़द इजाफ़ा कर रहा है देखा जाए तो इसके इंटीरियर के डैशबोर्ड में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है स्टेयरिंग में हमें यूनाइटेड वाजहे तौर पर मिलता है और अगर बात की जाए इसके मीटर बारे तो एनालॉग डिजिटल दोनों इसमें फीचर्स मौजूद हैं इस कार में एल सी शुदा आती है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम है लेकिन फ़ीचर्स तमाम है ब्लूटूथ वगैरह बाकी चीज़ें जितनी भी हैं तमाम है इसके अलावा बाकी ये आम फीचर्स हैं जैसे कि आप जानते हैं कि वाइपर और लाइट्स के ये एसी कंट्रोलर है जहाँ से आप इस कार के ए को कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये कार मेनल कॉर है आटो गेयर नहीं होते इसमें आप इसके अलावा इधर यहाँ से चार्जिंग का ऑप्शन भी है इसका और अगर देखा जाए तो कार में आमरस है आमरस में अगर देखा जाए तो आमरस में बहुत अच्छी और ख़ासी स्पेस दे रखी है जो कि आप इजीली कोई सामान रख सकते हैं कार के स्पेसेस की बात की जाए तो बैक साइड की पहले स्पेस में आपको बता दूं कि यहाँ बिल्कुल भी ईजी नहीं है बैठना अलबत् आप यहाँ अपने बच्चों को जो चार पाँच साल के बच्चे हैं वो ईजी यहाँ बैठ सकते हैं लेकिन मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता बड़े आदमी तो बिल्कुल भी इजी तरीके से नहीं बैठ सकते हां अलबत्तः आप सिटी में अगर सफर करना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं लेकिन लॉन्ग वे के लिए ये कार बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है कार के फ्रंट सीट की स्पेसेस की बात की जाए तो अच्छी खासी जगह और आप फ्रंट पे बैठ के कहीं भी लॉन्ग वे या कहीं पर जाना चाहें तो इजी जा सकते हैं इजी तरीके से लेकिन बैक पे इतनी खासी स्पेस नहीं है इसके बाद मैं आपको ट्रंक की स्पेस दिखा दूँ तो ट्रंक की स्पेस कुछ यार मुझे समझ नहीं आई कुछ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स बॉयज़ के लिए कि यहाँ लैपटॉप रखो और आप कार को ले जाओ और अगर आप शादीशुदा बंदे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों को उनकी चाची फूफी नानी के घर ले जाऊँ सामान रख के तो भाई आप गलत हैं फिर ना कहना भाई ने बताया नहीं लेकिन इस कार की स्पेस ना होने से बेहतर है आपको मैं इस कार के इंजन के बारे में बता दूँ तो इसका बोनर जो है यहाँ से ओपन होगा तो इसका जो इंजन है वो 800 सीसी ये कार है और आप इसके इंजन रूम को देख सकते हैं ताकि आपको इलम हो कि ये 19 मॉडल कार है और इसका इंजन रूम वाजी तौर पर आपको नज़र आ सकता है कि ये इतनी ज़्यादा कार नहीं चली हुई और अगर इसकी फुल एवरेज की बात बताऊं जो कंपनी कहती है वो कहती है कि ये एस्टीमेटेड जो है 18 से 20 किलोमीटर का फासला तय करती है एक मीटर में लेकिन अगर मैं आपको अपने ओपिनियन दूँ तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये कार कम से कम 14 से 15 किलोमीटर करती होगी और इसकी जो बैटरी है वो ड्राई है अब हम इस कार को स्टार्ट कर लेते हैं और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कार कैसी है और आप मीटर देख सकते हैं कि इसमें एनालॉग है डिजिटल है और स्पीडोमीटर है तो यार मैंने जो आइडिया लगाया इसके इस कार में बिल्कुल भी इंजन का साउंड नहीं आता बहुत ज़बरदस्त है और इसका साउंड बिल्कुल भी नहीं आता और आप आइडिया लगा सकते हैं हाँ आप इसको जो एफ़ का जो आ रहा है साउंड इसको आप इग्नोर करें और इस कार के साउंड को सुने आप इस गाड़ी का साउंड इजीली सुन सकते हैं कि यह है ओवरऑल का। बात की जाए कार की तो कार यार अगर लुक वाइज देखा जाए तो बहुत जबरदस्त और अट्रेक्टिव है और अगर आप इसकी स्पेसिस के साथ कंप्रोमाइज करें तो ये कार बहुत जबरदस्त है अगर आप परचेज करना चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ की ये उन्नीस मॉडल कार है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कुछ अरसा चली है बिल्कुल कम किलोमीटर का फासला इसने तय किया हुआ है और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आ, उनका ओनर का जो नंबर है वो दे दूंगा उनका कहना है कि डिमांड जो है इसकी साढ़े आठ लाख रुपए आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग्लाफिज